खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख समाज छत्तीसगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज मेघावी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनका सम्मान किया और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से आज उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया ताकि आने वाले जीवन में उनके एक काम आए सर्टिफिकेट। हमारे साथ में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और सिख समाज छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष आदरणीय श्री मान सिंह छाबड़ा जी, क्या कुछ कहेंगे? सिख समाज छत्तीसगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष हमारे समाज के जो प्रतिभावान बच्चे हैं, जिन लोगों की प्रतिभा हमेशा आगे बढ़ती रहे, इसके उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर में उन लोगों का सम्मान करते हैं। आज भी हमारे यहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 क्लास के बच्चों का जो प्रतिभावान है उन लोगों का सम्मान किया गया। करीब 225 बच्चे यहाँ पर में हमारे पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आए थे, अंबिकापुर से लेकर बस्तर तक और डोंगरगढ़ से लेकर सराईपाली तक के बच्चे यहाँ पर पहुँचे। चारों दिशाओं के बच्चों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और उनके पेरेंट्स भी आ जाए, बड़ा अच्छा माहौल रहा है और सब लोगों ने खुशनुमा माहौल में एक पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में इसको देखा है। और सिख समाज छत्तीसगढ़ हमेशा पूरी कोशिश करता है कि समाज के लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उसी दिशा में ये हमारा कदम है। सुरेंद्र सिंह छाबड़ा जी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज बड़ा हर्ष की बात है कि हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चे, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ से हमने उनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया था, लेकिन एक बड़ा अच्छा हुआ कि हमारे बीच में कुलपति अपना डॉक्टर अरुणा पलटा जी ने बच्चों को बहुत ही अच्छे रूप से जानकारी दी और गुरुकुल की शिक्षा और वर्तमान शिक्षा को बताते हुए उन्होंने भविष्य में क्या लेना चाहिए उनको सब पूरी जानकारी दी है। और यह जो बच्चे हैं निश्चित रूप से आने वाले समय में न केवल समाज का बल्कि देश का भी नाम गौरवान्वित करेंगे। और सिख समाज छत्तीसगढ़ आपके इस माध्यम से बता रहा है कि पूरे पेरेंट्स का हम बहुत बहुत आभारी हैं जो इतनी गर्मी में बच्चों को लेकर यहाँ पर आए हैं। यह दर्शाता है कि सिख समाज छत्तीसगढ़ हमारे संगठन के प्रति उनका कितना लगाव है, हम उन सभी के आभारी। जवाहर जी हमारे साथ में हैं, मैं पंजाबी सनातन सभा की ओर से सिख समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैंने ये आज देखा कि एक बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सिख समाज ने अपना पूरा योगदान दिया और बच्चों को इतना प्रोत्साहित किया कि बच्चे आने वाले समय में और अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। मैं मेरे साथ में बहुत सारे अतिथि जुड़े हैं, उनसे नाम पूछता हूं मैं। इंद्रजीत सिंह छाबड़ा। इंद्रजीत सिंह छाबड़ा। तेजेंद्र सिंह और अध्यक्ष बोल। रविंदर सिंह दत्ता मंच। बहुत अच्छे एंकर करते हैं। हरजीत सिंह अजमानी। मंजीत सिंह सलूजा। कल्याण सिंह पसरेजा। सतपाल सिंह खनूजा। बहुत अच्छी बात है, तो बच्चे भी देख रहे हैं मेरे साथ में। और हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता अमरजीत सिंह छाबड़ा जी भी हैं। अमरजीत जी, क्या एकाध शब्द बोल सकते हैं, बच्चों को क्या अच्छा लगता है? मंच प्रदान करना प्रतिभाओं को और उस मंच के माध्यम से दूसरों को भी प्रेरित करना एक बहुत अच्छी अनुकरणीय पहल है। सिख समाज छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत बधाई है एक अच्छे आयोजन के लिए। बहुत अच्छी बात में रीना टुटेजा जी भी है, महिला शक्ति अध्यक्ष है सिख समाज की। सिख समाज छत्तीसगढ़ लेडीज विंग की तरफ से मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ सिख समाज छत्तीसगढ़ को कि आज पूरे सिख समाज के पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान छात्र हमारे यहाँ एक ही जगह एकत्रित हुए हैं और हमने उनका सम्मान किया है। तो ये सारे बच्चे हैं। अनु जी हमारे साथ में है। अनु होरा जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज सिख समाज छत्तीसगढ़ की तरफ से बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है और सारे पेरेंट्स को थैंक्स बोलती हूँ कि जो यहाँ पहुँचे ऑल ऑफ छत्तीसगढ़ से। और मैं उन बच्चों के लिए भी ये कहना चाहूँगी कि परसेंट कोई मायने नहीं रखता, रख हौसले बुलंद, तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी, एक दिन तेरी भी पहचान होगी, उसले परसेंट को लेकर। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? अमरजीत खुराना। तो सारे बच्चों का एक बार फिर से इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए, आगे बढ़ें और कभी डीमोटिवेट ना हो। और जिनके मार्क्स नहीं आए, जवाहर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जो असफल रहे वो सफलता का पहला कदम होता है। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।